लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी मोबाइल फोन एसेसरीज सरदार मोहम्मद अजहर सुल्तान के सिरे एहतमाम मोबाइल इंडस्ट्री को वाबस्ता मसाइल और बिलखसूस इम्पोर्ट से मुतल्लिका दरपेश मसाइल के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में गुज़िश्ता 8 माह से कंटेनर पोर्ट पर फंसने की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल और ताजरों को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल और हुकूमत को मसाइल के हल के लिए तजावीज पेश की गयी। इजलास में मोबाइल फोन एसेसरीज सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं जिनमें रजा बाबर मियाँ रहीम अरशद मोहम्मद उस्मान मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्दुल गनी खान मोहम्मद कामरान मोहम्मद जीशान मोहम्मद शकीब आदिल रजा समेत मुतल्लिका सेक्टर से वाबस्ता दीगर अफराद की बड़ी तादाद तकरीब के मौके पर मौजूद थी। इजलास के मौके पर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सरदार अजहर सुल्तान का कहना था कि मोबाइल एसेसरी से वाबस्ता ताजर कम्युनिटी इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है जबकि इम्पोर्ट बंद होने से कारोबार बंद होकर रह गया है जिससे लाखों मुलाजमीन बेरोजगार और मुतअद्दिद ताजर कारोबार बंद कर चुके हैं। हुकूमत को मुतल्लिका इंडस्ट्री को फरोग और बहाल करने के लिए फौरी इकदामात उठाना होंगे। तकरीब के मौके पर मोबाइल एसेसरी सेक्टर से वाबस्ता दीगर स्टेक होल्डर्स ने भी मसाइल पर तफसीली बात की और हुकूमत को मुतल्लिका इंडस्ट्री के मसाइल पर बावर करवाया।